तो हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका आज के इस अपडेट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मेरे पास कुछ अपडेट्स है थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली अपडेट है थॉर लव एंड थंडर में क्रिश्चियन बेल के रोल से रिलेटेड। तो हाल में ही एक इंटरव्यू में वैलकरी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस थेसा थॉम्सन ने ये बात कंफर्म कर दी है कि बेल थॉर 4 में विलन का रोल प्ले करेंगे। उन्होंने एंटरटेनमेंट टुनाइट के अपने इंटरव्यू में एग्जैक्टली ये कहा था। Pikers, writing, directing, some familiar faces, some new people into the mix. Christian Bale is going to play our villain, which is going to be fantastic. Yeah, it's going to be good. उनका मतलब था कि टाइका मूवी के राइटर और डायरेक्टर है, और मूवी में पुराने लोगों के साथ कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे। क्रिश्चियन बेल हमारे विलन होंगे। इसके बाद थॉम्सन ने वैलकरी के रोल के बारे में भी कुछ कहा। One last question is, right now she's the king of Asgard. Will she maintain that title? Oh yeah, she's now. Of course she will. I love that. She's not a queen, she's a king. No, she's king. If she can't find her queen, she'll just be king and queen at the same time. तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही कि थेसा कह रही हैं कि वैलकरी एसगार्ड के किंग और क्वीन दोनों होंगी जब तक उन्हें मूवी में कोई और किंग नहीं मिल जाता है। और अगली अपडेट थॉर 4 से रिलेटेड ये है कि मूवी में हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का भी रोल दिखने को मिलेगा, और ये बात विन डीजल ने खुद बताई है। दोस्तों, विन डीजल एमसीयू में ग्रूट की आवाज़ देते हैं, और ऐसा उन्होंने अपनी नई मूवी ब्लडशॉट के प्रमोशन इवेंट के टाइम पे बोला। तो चलिए पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या। Thor will also, the director talked to me about how Thor will incorporate some of the Guardians of the Galaxy, which would be very interesting. Nobody knows, but maybe I should. तो जैसा कि आपने सुना कि विन डीजल बोल रहे हैं कि वो बहुत एक्साइटेड है कि डायरेक्टर ने उनसे कहा है कि थॉर 4 में कुछ गार्डियंस भी होंगे। दोस्तों, मार्वल का पहले प्लान था कि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को पहले रिलीज करेंगे थॉर 4 से, बट जेम्स गन के साथ हुई कुछ अनबन के कारण इस प्रोजेक्ट पे कुछ देरी हो गई, और अब थॉर 4 पहले रिलीज हो रही है। और जहाँ पे एंडगेम ख़त्म हुई थी, थॉर और गार्डियंस एक साथ थे, तो थॉर 4 में गार्डियंस का दिखना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। बट एक बात विन डीजल ने और बोली जो कि सरप्राइजिंग है, और वो है कि विन डीजल ने कहा कि थॉर लव एंड थंडर में ग्रूट का नया फॉर्म होगा जिसका नाम है अल्फा ग्रूट। तो चलिए सुनते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या। I only have two words about that character, and it is Alpha Groot. अब यहाँ अल्फा का क्या मतलब है वो तो पता नहीं। Maybe Groot अब एक लीडरशिप पोजीशन में आएगा जैसा कि कॉमिक्स में किंग ग्रूट था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ़।